Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल वी बाइकर्स। स्वागत है आपका इस एक और नए न्यू वीडियो में। तो इन टुडेज़ वीडियो लेट्स गेट टॉकिंग अबाउट द ऑल न्यू यामाहा R15 V4। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यामाहा की R15 वर्जन V4 के बारे में। मुझे पता है गाइस, इंडियन मार्केट में R15 V4 का काफ़ी टाइम से वेट किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या प्राइसिंग होगी इस बाइक की, क्या क्या फीचर्स होंगे और क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे R15 V4 के बारे में, डिटेल में बात करने वाले हैं। और अगर आपको इस बाइक के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, ज़रूर देखना वीडियो को। और अगर आपको इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। गाइस, करेंटली यामाहा V3 का एक्स शोरूम प्राइस जो है वो है 1,48,000 से 1,50,000 तक आपको देखने मिलता है। लेकिन दोस्तों, इस बाइक में अपकमिंग वेरिएंट जो वर्जन V4 है उसका प्राइस आपको 10,000 to 15,000 ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ होकर देखने मिलेगा जब ये बाइक आपको इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाएगी यामाहा वालों की तरफ से। दोस्तों, यामाहा ने R15 के वर्जन 1 से लेकर वर्जन 3 तक काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड डिज़ाइन दिए है कंटिन्यूसली अपनी अपकमिंग बाइक में, जब जब उन्होंने यामाहा की कोई भी R15 सीरीज़ लॉन्च की है इंडिया में। एंड दोस्तों, आने वाली V4 में आपको न्यूली डिज़ाइन बॉडी ग्राफिक्स एंड न्यू कलर स्कीम तो बिल्कुल ही देखने मिलेगी। अब यहाँ पर इस बाइक के प्राइसिंग की बात करें तो V4 का प्राइस आपको 1,60,000 से लेकर 1,65,000 तक देखने मिलेगा यामाहा की तरफ से। बाकी इस बाइक में कोई डाउट तो नहीं है कि ये बाइक आपको 10,000 to 15,000 बढ़ के ही देखने मिलने वाली है। ऑब्वियसली ये बाइक यामाहा वालों की तरफ से इसका अपग्रेडेड वर्जन है, वो आपको 10,000 to 15,000 इंक्रीज़ होकर ही इंडियन मार्केट में वो लोग ये बाइक को लॉन्च करेंगे। अब अगर इस बाइक के चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले जो मेजर चेंज किया जाएगा यहाँ पर वो होगा इसके इलेक्ट्रिक फीचर्स में। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, यामाहा ने अपनी FZS V3 में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी एड ऑन कर दिया है। वैसे ही स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन जैसा कुछ फीचर्स आपको यामाहा की V4 में भी देखने मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में भी आपको और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐड ऑन करके दी जाएगी। अब यहाँ पर LED हेडलाइट्स की बात करें तो R15 V4 का ट्विन LED हेडलैम्प सेटअप जो इतना खास नहीं है, मतलब V3 का जो इतना खास नहीं है और पावरफुल नहीं है, कह सकते हैं यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि LED हेडलैम्प्स में आपको कुछ मेजर चेंजेस देखने मिले, जिसमें R15 V4 में आपको न्यूली डिज़ाइन LED हेडलाइट देखने मिलेगा। और आपको इस बाइक में जो नाइट विजन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने मिलने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट चेंजेस जो होगा इस बाइक का वो इस बाइक के इंजन ट्यूनिंग में। हालांकि दोस्तों, R15 V4 आपको कुछ सेम इंजन 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर FIBS6 लिक्विड कूल, वही सेम इंजन आपको देखने मिलेगा यामाहा की R15 V4 में। लेकिन इस बाइक के इंजन ट्यूनिंग थोड़ी डिफरेंट होगी, जिसके वजह से इस बाइक का पावर और परफॉर्मेंस वो और भी ज़्यादा आपको यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। रिफाइनमेंट भी जो होगी इस बाइक की वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी अपनी इसकी प्रीवियस जो मॉडल है R15 V3 से, उसकी रिफाइनमेंट इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। राइडिंग एंड सिटिंग कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा एग्रेसिव पोस्चर मिलेगा आपको, जो थोड़ा बहुत मतलब मिलता जुलता होगा यामाहा की R3 से। दोस्तों, नेक्स्ट चेंजेस जो होगा इस बाइक का वो कलर एंड बॉडी ग्राफिक्स में। यहाँ पर यामाहा ने एक न्यू न्यूज़ निकल कर आ रही है कि यहाँ पर आपको डुअल टोन कलर डिज़ाइन देखने मिलेगा यामाहा वालों की तरफ से। इस बाइक के टायर साइज़ से लेकर हर वो चीज़ आपको सेम देखने मिलने वाली है जो आपको यामाहा की V3 में देखने मिलता था। और ऐसा कुछ मेजर चेंजेस नहीं किया है यहाँ पर इस बाइक में। फ्रंट में हो सकता है यामाहा वाले आपको यहाँ पर USD फॉक्स प्रोवाइड करें और बैक में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने मिल सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको फ्रंट पे USD फॉक्स देखने मिल सकता है, ऐसे कुछ कन्फर्म न्यूज़ भी नहीं है, लेकिन मेरे कुछ अजम्पशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपको यहाँ पर USD फॉक्स देखने मिल सकते हैं। इस बाइक में आपको सेम डुअल चैनल ABS का सेटअप देखने मिलेगा, जो कि इस बाइक की स्पीड और हैंडल को बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगा। गाइस, इस बाइक के लॉन्च डेट की बात करो तो यहाँ पर आपको मिड ऑफ 2021 में, एंड अगर डिले भी हुआ तो ये बाइक कंफर्म है कि आपको 2021 के एंड तक ये बाइक आपको यामाहा के शोरूम में देखने मिल जाएगी यामाहा वालों की तरफ से। होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।